ग्रेट मॉर्निंग क्लास इन द प्रीवियस क्लास वी है थर्टीन क्वेश्चन तक हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे 2C. 2C कौन से है? उस पर बेस्ड थी डिविजन ऑफ फ्रैक्शन पे ओके स्टूडेंट्स हमने किए थे थर्टीन तक स्टेटमेंट क्या है हमारा स्टेटमेंट सम है ओके पेज नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ओके बकेट कंटेन्स टू इज टू वन बाय फोर लीटर्स ऑफ वाटर अ स्मॉल जग है फ्रॉम द बकेट टू गैटेड एम्पटाइट क्या कह रहे हैं वो एक जग है जिसमें कितना पानी आता है ट्वेंटी इज टू वन बाई फोर लीटर्स ठीक है एक बकेट में आता है पानी ट्वेंटी इज टू वन बाई फोर और एक कैरा स्मॉल जग उसकी कैपेसिटी बता रहा है थ्री बाय फोर लीटर्स वोटर की ठीक है वो कह रहा है कि उस बकेट में से कितने टाइम्स जग भर के पानी निकालें कि जो वो बकेट है वो खाली हो जाए ओके okay, स्टूडेंट्स तो टोटल कैपेसिटी कितनी है बकेट की वह ट्वेंटी वन बाई फोर दैट मीन्स हमारा टोटल वाटर कितना है ट्वेंटी वन बाई फोर और जग में कितना आता है थ्री बाय फोर लीटर्स अगर हम जो हमारा बकेट वाले वाटर की क्वांटिटी है उसको अगर जग वाले से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बकेट वाले को कैपेसिटी ऑफ बकेट स्टेटमेंट समय तो स्टेटमेंट तो मस्ट है कैपेसिटी ऑफ बकेट तो बकेट की कैपेसिटी कितनी है इट इज ट्वेंटी वन बाय फोर लीटर्स ओके स्टूडेंट्स ट्वेंटी वन बाय फोर लीटर्स और कैपेसिटी ऑफ जग जग की कैपेसिटी है थ्री बाय फोर लीटर्स ठीक है अब क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स जग को फिल करके उसमें से निकाल लें किसमें से बकेट में से कि बकेट खाली हो जाए ठीक है नंबर ऑफ टाइम्स जग हैज टू बी फिल्ड टू एम्प्टी द बकेट बकेट को ही तो एम्प्टी करना है हमें ओके टू एम्प्टी द बकेट दैट मींस जो टोटल कैपेसिटी है उसको अगर जग की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इट इज ट्वेंटी वन बाय फोर डिवाइडेड बाय थ्री बाय फोर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एटी वन बाय फोर और ये क्या होगा फोर बाय थ्री फोर से फोर कैंसिल इसको इससे करेंगे ट्वेंटी सेवन तो क्या आएगा 27 सेवन टाइम्स जग को भर के बकेट में से निकालेंगे तो जो बकेट है वो एम्प्टी हो जाएगी ओके एम्प्टी मीनस वो खाली हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट गिवन है और एक नंबर गिवन है वो पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर मीन दूसरा नंबर हमें निकालना है दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है अगर मैं बोलूं सुपोज आई हैव अ नंबर थ्री वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस अनदर नंबर टू गेट ट्वेंटी फोर मीन्स दो नंबर हैं ये ऐसे एक नंबर थ्री गिवन है दूसरा मैंने मान लिया एक्स और इसका आंसर कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर ठीक है दैट मीन्स क्या करेंगे हम एक जो नंबर है उसको एक्स सपोज कर लेंगे सुपोज अदर नंबर बी एक्स देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कैन से दैट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लेट अदर नंबर कितना एक्स और क्या है प्रोडक्ट कितना गिविन है प्रोडक्ट इज फिफ्टीन फाइव बाई सिक्स और वन जो नंबर है वो कितना गिविन है इट इज सिक्स वन बाई थ्री नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इस नंबर का और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ये है दैट इज सिक्स वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स गेव फि फिफ्टीन फाइव बाई सिक्स ठीक है यहां ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में एक्स यहां रह जाएगा तो ये वाली चीज मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में फिफ्टीन फाइव बाई सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स वन टू थ्री सिक्सटीन इज टू वन बाई थ्री ओके स्टूडेंट्स अब इनको क्या करना है उसमें चेंज करना है फ्रैक्शन में और डिवाइड करना है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से आता है ठीक है तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे ओके okay? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड नाइन इज टू फोर बाय फाइव बी मल्टीप्लाइड टू गेट फोर्टी टू कि किस नंबर से एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए यहां भी देखो कुछ ऐसा ही था इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मिल रहा था उसमें भी वो कह रहा है कि एक नंबर है हमें कितना गिवन है इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कोई नंबर है मैंने वो क्या कर लिया सपोज कर लिया वो नंबर एक्स है ठीक है और मुझे क्या मिलना चाहिए फोर्टी टू क्लियर है नंबर है ये इसको किस से मल्टीप्लाई करें x से मल्टीप्लाई करें कि हमें 42 मिल जाए जैसे ऊपर वाला सोल्व किया था सेम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे ये वाला उधर डिवाइड में हो जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी 42 टू डिवाइडेड बाई नाइन इज टू फोर बाई फाइव ओके स्टूडेंट्स क्लियर है ये बात ये फिर से सारी डिवीजन वगैरह सब कुछ आपको खुद से आता है ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इसके क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे नाइन फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में फोर एड करेंगे तो कितना आएगा फोर्टी नाइन ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा फोर्टी टू डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन बाय फाइव और यू कैन से फोर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई फोर्टी नाइन ये सेवन से कैंसिल होगा सेवन सिक्स सेवन विल बिकम थर्टी अपॉन सेवन और यू कैन से फोर इज टू टू बाय सेवन सेवन फोर ट्वेंटी एट माइनस करेंगे थर्टी में से तो टू रिमाइंडर और सेवन नीचे तो क्या आ जाएगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इस नंबर से मल्टीप्लाई करें किसको इस वाले नंबर को हमें क्या मिल जाए ये क्लियर है इन इज टू फोर बाई फाइव को फोर इज टू टू बाई सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। स्टूडेंट्स okay, क्लियर है ये बात। अभी जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ठीक है यहां क्या कह रहा है किस नंबर से डिवाइड करें सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ठीक है एक नंबर गिवन है सिक्स इज टू टू बाई नाइन इसको किस से डिवाइड करें यहां वाला नंबर हमें नहीं पता जो चीज नहीं पता होती हम उसको सपोज कर लेते हैं ठीक है और क्या मिलना चाहिए हमें फोर इज टू टू बाई थ्री क्लियर है ये वाली चीज इस नंबर को x से डिवाइड करें तो हमें ये मिलता है तो हमें x की वैल्यू चाहिए ठीक है तो ये वाली चीज इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में सिक्स टू बाई नाइन इज इक्वल टू फोर टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स ठीक है अब यहां से क्या है ये वाली मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स टू बाय नाइन डिवाइडेड बाय फोर टू बाय थ्री यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मैंने बस इनको क्या कर दिया इंटरचेंज लेफ्ट को राइट right कर दिया राइट right को लेफ्ट कर दिया अभी अभी यहां मैंने यही बताया था ना ये वाला चीज इससे डिवाइड हो जाएगा देखो इस वाले को इस वाले को इससे डिवाइड ही तो किया है बट क्या किया है एक्स को राइट right पे लिख दिया सॉरी लेफ्ट पे लिख दिया और उसको राइट right पे ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये राइट right साइड होती है ना तो एक्स को हमने लेफ्ट पे ले लिया और बाकी को राइट right पे ले गए ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी फिफ्टी फोर प्लस टू फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन इट विल बिकम फोर थ्री जी ट्वेल्व प्लस टू फोरटीन बाई थ्री और यू कैन से फिफ्टी सिक्स बाय नाइन मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाय फोर्टीन थ्री थ्री ज नाइन इट इज फोर्टीन बाय मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स तो एक्स की वैल्यू क्या आई है फोर बाय थ्री और यू कैन से वन इज टू वन बाय थ्री ठीक है तो यहां से क्या कह सकते हैं कि इस नंबर को वन इज टू वन बाई थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली चीज मिलेगी क्लियर है स्टूडेंट्स ठीक है ये हमारी टू सी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है और टू सी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया ठीक है सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड चैप्टर ओके द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेसिमल्स ओके स्टूडेंट्स तो आज हम यहीं तक करेंगे ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडेज थैंक यू इंड है नाइस डे